हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अमरीन शेख, आपकी LKG की हिंदी शिक्षिका। मैं नागेश्वर असगी ऑर्किड स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मुझे ये बताओ, इससे पहले के सेशन में हमने क्या सीखा था? वेरी गुड, कविता। कविता का नाम बताओ। गुड, कोयल रानी। तो मैं आशा करती हूँ आपने इस कविता को एक्शन के साथ पढ़ा होगा। तो आज हम इस कविता का एक फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, ओके? कविता का नाम है कोयल रानी। कोयल रानी, कोयल रानी, दाना खाकर पीती पानी। देखो कितना मीठा गाती, सबके दिल को है बहलाती। ओके, तो आपने इस कविता को एक्शन के साथ पढ़ा होगा, मैं ऐसी ही आशा करती हूँ। तो आज हम वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। वर्णमाला जिन शब्दों से मिलकर जो वाक्य बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। स्वर में 13 अक्षर होते हैं, तो आज हम स्वर के 13 अक्षर देखेंगे। ये है स्वर के 13 अक्षर। ये है स्वर का पहला अक्षर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई। आपको पता है इसे छोटी क्यों बोलते हैं और इसे बड़ी क्यों बोलते हैं? इसे बड़ी ई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे इसके ऊपर कर्व है और इसके ऊपर कर्व नहीं है, इसलिए इसे छोटी ई, इसे बड़ी ई। ओके, अभी नेक्स्ट अक्षर, ये है ऊ, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ। ये भी इसी प्रकार छोटा ऊ बड़ा ऊ, क्योंकि छोटे ऊ को कर्व नहीं है और इस ऊ को कर्व है, इसलिए इसे छोटा ऊ और इसे बड़ा ऊ। इसे रू, ये कौन सा अक्षर है? रू। ये ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, ये स्वर के 13 अक्षर हैं। चलो अब हम इसको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये स्वर के 13 अक्षर है। कितने अक्षर है? 13 अक्षर। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ स्वर के अक्षर को पढ़कर। अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। ये स्वर के 13 अक्षर हैं। तो आज हम स्वर के 7 लेटर्स सीखेंगे। कितने लेटर्स? 7। कौन कौन से? अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू। अब हम इन स्वर को इनके नाम और पिक्चर के साथ देखेंगे और पढ़ेंगे।
तो बच्चों मुझे ये बताओ ये कौन सा फ्रूट है? वेरी गुड, पोमोग्रेनेट। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में अनार बोलते हैं। आपने तो ये फल खाया होगा। ओके, इसका स्वाद कैसे होता है? मीठा। वेरी गुड। तो ये स्वर का अ अक्षर है और ये अ अक्षर से शुरू होने वाला नाम, अनार। तो हम इसको इस प्रकार पढ़ेंगे, अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। अभी हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो बताओ बच्चों ये कौन सा फ्रूट है? विच फ्रूट इट इज? गुड, गुआवा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट वी से इन हिंदी? नहीं पता? मैं बताती हूँ, इसे अमरूद कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? अमरूद। इसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा। गुड। इसका स्वाद कैसे होता है? मीठा होता है। आपको पता है इसको और एक नाम से बोलते हैं। इसका और एक नाम है, पता है आपको इसका और एक नाम? वेरी गुड, जाम। इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, जाम फल। आपको पता है क्या इस फल को कौन सा बर्ड खाना पसंद करता है? कौन सा पक्षी इस फ्रूट को सबसे ज़्यादा पसंद करता है खाने में? पता है आपको? नहीं पता? पैरोट, तोता। तोते को ये फल बहुत पसंद है। ओके, अब हम देखेंगे स्वर का ये कौन सा अक्षर है। ये स्वर का अ अक्षर है और ये अ अक्षर से शुरू होने वाला नाम, अमरुद, अमरुद। तो हम इसको किस प्रकार पढ़ेंगे? मैंने इससे पहले बताया ना आपको, अनार को हमने कैसे पढ़ा? अ से अनार। उसी प्रकार हम इसे अ से अमरूद पढ़ेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्वर देखते हैं। बताओ बच्चों ये कौन सा फ्रूट है? वाह, वेरी गुड, मैंगो। इसका कलर कौन सा है? येल्लो। वेरी गुड। येल्लो को हिंदी में कौन सा रंग बोलते हैं? पीला, है ना? आपको पसंद है ना मैंगो? आपको पता है ये कौन से सीजन में आता है? कौन से सीजन में आता है? वेरी गुड, समर सीजन में। आपको पता है क्या आम को फलों का राजा भी कहते हैं और अपना भारत का राष्ट्रीय फल भी आम है। ओके, तो ये स्वर के आ, ये है स्वर का आ अक्षर और ये आ अक्षर से शुरू होने वाला नाम, आ म। तो हम इसको आ से आम इस प्रकार पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आ से आम। कैसे पढ़ेंगे? आ से आम। अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। ये है, ये क्या है? क्या है ये? हाँ, वेरी गुड, फायर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्हाट वी से इन हिंदी? आग। क्या कहते हैं? आग। तो आग से हमें क्या मिलता है? रोशनी मिलती है। पर ये कैसी होती है? आग गर्म होती है, तो हमें इसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये स्वर का आ अक्षर है और ये आ से शुरू होने वाला नाम, आ ग। तो हम इसको आ से आग इस प्रकार पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आ से आग। अब हम स्वर का नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। बताओ बच्चों मुझे इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? क्या है ये? वेरी गुड, इमली। ये तो सबको पता है ना? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरिमेंट। ओके, टैम्ब्रिड, सॉरी, क्या बोलते हैं? टैम्ब्रिड। क्या बोलते हैं? टैम्ब्रिड।
इमली को इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं। इसका स्वाद कैसे होता है? इसका टेस्ट कैसे होता है? खट्टा। कैसे होता है? खट्टा। ओके, तो ये स्वर का अक्षर है छोटा ई। कौन सा अक्षर है? छोटा ई। और ये ई से शुरू होने वाला नाम, ई मली, इमली। ई से इमली, ई से इमली। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? ई से इमली। ओके, अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये क्या है? इस पिक्चर में क्या है? बिल्डिंग। वेरी गुड। बिल्डिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? बिल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं इमारत। क्या बोलते हैं? इमारत। दो तीन मंजिल के घरों को क्या कहते हैं? इमारत, बिल्डिंग। ओके, तो यह है स्वर का छोटा ई अक्षर। क्या है? ये स्वर का छोटा ई अक्षर और ये ई से शुरू होने वाला नाम, इमारत। इमारत क्या है? इमारत। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ई से इमारत, ई से इमारत। अब हम स्वर का नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। तो बच्चों बताओ, ये क्या है? क्या है? नहीं पता? गन्ना। ये तो मराठी वर्ड हुआ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता? हिंदी में इसे ईक कहते हैं। क्या कहते हैं? ईक। और इसका स्वाद कैसे होता है? वेरी गुड, मीठा होता है। तो बच्चों, आपको पता है इससे क्या बनता है? ईक से क्या बनता है आपको पता है? ईक से चीनी और गुड़ बनता है। ओके, तो ये स्वर का अक्षर है बड़ा, बड़ी ई। स्वर का कौन सा अक्षर है? बड़ी ई। कौन सा अक्षर है? बड़ी ई, क्योंकि इस ई के ऊपर क्या है? क, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बड़ी ई। ओके, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बड़ी ई से ईक, बड़ी से ईक, बड़ी से ईक। ओके, अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। बच्चों मुझे ये बताओ, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? हाँ, मिल रहे हैं ना दो फ्रेंड्स। वेरी गुड। क्यों मिल रहे हैं पता है आपको? नहीं पता? वो ईद का फेस्टिवल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ईद के फेस्टिवल के दिन फ्रेंड्स क्या करते हैं? एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये पिक्चर में फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? ईद का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बड़ी ई से, ये है ईद, ईद। बड़ी से ईद, बड़ी से ईद, बड़ी से ईद। ओके, अब हम स्वर का नेक्स्ट अक्षर देखेंगे। ये तो पता है ना आपको? ये क्या है? कौन सा पक्षी है? वेरी गुड। कौन सा? उल्लू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आउल। क्या बोलते हैं? आउल। ओके, आपने देखा इस पक्षी को? नहीं? हाँ, क्योंकि ये रात में ही अधिकतर, ज्यादातर रात में ही दिखाई देता है। ओके, इसीलिए इसको रात का पक्षी कहते हैं, उल्लू को। तो ये देखो, ये है स्वर अक्षर का ऊ, छोटा ऊ। ऊ से क्या है? ये उल्लू है ना। तो ऊ से कौन सा नाम शुरू हो रहा है? ऊ अक्षर से कौन सा नाम शुरू हो रहा है? उल्लू। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। ओके, अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। ये क्या है? औजार? नहीं, इसे क्या कहते हैं? वस्त्रा। हेयर कटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये स्वर अक्षर का छोटा
छोटा ऊ है और यह है उस्तरा। क्या है? उस्तरा। तो हम कैसे पढ़ेंगे? ऊ से उस्तरा, ऊ से उस्तरा, सॉरी, ऊ से उस्तरा। अभी हम स्वर का नेक्स्ट अक्षर देखेंगे। ये क्या है? नहीं पता आपको? ये है ऊन। क्या है? ये है ऊन। ऊन से स्वेटर, हैंड ग्लोव्स, सॉक्स तैयार होते हैं और घरेलू अनेक वस्तु भी ऊन से तैयार किए जाते हैं। तो ये बताओ बच्चों, हम स्वेटर कब यूज करते हैं? कौन से सीजन में यूज करते हैं? वेरी गुड, विंटर के सीजन में हम इसको यूज करते हैं। तो ये है स्वर अक्षर का बड़ी ऊ। क्या है? बड़ी ऊ। ये है ऊ ना, ऊ से शुरू होने वाला नाम, ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊन। ओके, अब हम नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। ये क्या है? कौन सा एनिमल है? पता है आपको? वेरी गुड, ये है कैमल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ऊंट। वेरी गुड, अरे वाह, हिंदी में भी आता है आपको। ऊंट कहाँ पर रहते हैं? रेगिस्तानी इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में रहते हैं, राजस्थान में। ओके, आपने कभी ऊंट की सैर की है? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो ये स्वर के ऊ अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। देखो, ऊंट, ऊंट, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बड़ी ऊ से ऊंट, बड़ी ऊ से ऊंट। अभी हम नेक्स्ट अक्षर देखेंगे स्वर का। ये पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? पंडित? नहीं, इसे कहते हैं ऋषि। क्या कहते हैं? ऋषि। आपने कभी ऋषि को देखा है? नहीं। ऋषि ज्यादातर पर्वत, शिखर, ऐसे ऊंचे स्थानों पर रहते हैं और इन्हें अंतर्यामी देवताओं का बहुत ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें ऋषि कहते हैं। ऋषि और पंडित, ये दो अलग व्यक्ति हैं, इन्हें ऋषि कहते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, ये स्वर का रू अक्षर है और ये रू अक्षर से शुरू होने वाला नाम ऋषि। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? रू से ऋषि, रू से ऋषि, रू से ऋषि। ओके, तो आज हमने स्वर के कितने अक्षर सीखे हैं? सात अक्षर। कितने अक्षर अक्षर सीखे हैं? सात। और उनके अक्षर के साथ उनका नाम भी सीखा है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है? आपको मेरे साथ पढ़ना है इन अक्षरों के अक्षर और इनके नाम। चलो, अभी आपको मेरे साथ इन अक्षर और उनके नाम पढ़ना है। ओके, अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार, आ से अ से अनार, अ से अनार, अ से अमरुद, अ से अमरुद, आ से आम,
आ से आम, आ से आग, आ से आग, ई से इमली, ई से इमली, ई से इमारत, ई से इमारत, बड़ी ई से ईख, बड़ी से ईख, बड़ी ई से ईद, बड़ी से ईद, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, ऊ से उस्तरा, ऊ से उस्तरा, बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊंट, बड़ी ऊ से ऊंट, रू से ऋषि, रू से ऋषि। ओके तो बच्चों, आज हमने स्वर के 7 अक्षर उनके नाम के साथ सीखा है। ओके तो आज हमने बच्चों स्वर के 7 अक्षर सीखे हैं उनके नाम के साथ। तो आपको भी स्वर के अक्षर और उनके नाम के साथ पढ़ना है। ओके फिर मिलेंगे, बाय।